बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है जी सुख टाइम से बाइट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी रेसिपी है ये जी आलू बुखारे की चटनी, जो कि शादियों पे बनती है। जिसकी शादी नहीं हुई वो अपनी शादी पे ये ज़रूर बनवाए, और जिसकी शादी हो चुकी है वो अपनी सास और अपने ससुराल का दिल जीत लें जी। बड़ों की खिदमत किया करें, बड़ों की खिदमत करके ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और हमारी लाइफ की खूबसूरती भी बड़ों की वजह से है। तो आपको मैं ऐसी रेसिपी सिखाती हूँ कि आप घर बैठे प्रोफेशनल शेफ़ बन जाएं और मज़े की कुकिंग करें घर पर। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि कोई आपको जो है टिप जो है कोई ट्रिक है अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आप फ्री में इसका फ़ायदा उठा सकें। अब जी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप भी इस तरह की प्रेप लगाया करें, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। जब हम प्रेप लगाते हैं तो हमें कुकिंग करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जितने भी हमें स्पाइसेस रिक्वायर होते हैं वो हमारे बाउल में डाले हुए होते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को मेरे तरीके से। इसमें यूज़ होगा जी खुश्क आलू बुखारा, ड्राई प्लम कहते हैं इसको। ये तकरीबन एक कप ले लिया था मैंने, और जी इसके अंदर यूज़ होगा चार मग्स। ये आपको जी पंसार की शॉप से मिल जाएंगे बहुत इजीली। और ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ होगा इसके अंदर, और जी यूज़ होगा इसमें शुगर, चीनी, और यूज़ होगा फूड कलर। एक मैंने ले लिया येलो और दूसरा ले लिया रेड। और यूज़ होगा जी साल्ट और चिली फ्लेक्स, रेड चिली क्रश इसमें यूज़ होगी। अब इस सॉस को बनाने के लिए जी इसमें हम डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर, और पानी ऐड करेंगे। जितने आलू बुखारे होंगे उसमें उतना पानी डालना है, और बादाम। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जितने आलू बुखारे होंगे उससे डबल पानी आपने ऐड करना है और इसको कुक करना है। सबसे पहले आलू बुखारों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। सबसे पहले हम ले लेंगे जी एक सॉस पैन या स्टॉक पॉट, कुछ भी हो, उसमें आपने आलू बुखारों को अच्छी तरह से वॉश करके एक कप इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसके अंदर इससे डबल पानी, जितने आलू बुखारे आपके हों उससे डबल पानी ऐड कर देना है, और फ्लेम को ऑन कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, शुगर तकरीबन एक कप, जितने आलू बुखारे होंगे उससे तकरीबन ज़्यादा ही चीनी आपने ऐड करनी है, क्योंकि ये स्वीट एंड सॉर सॉस बनने वाली है। चीनी जब इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जी नमक टू टेस्ट, मैंने डाला था 1/4 टीस्पून। नमक डालने के बाद जी अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज इलायची का पाउडर, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून या एक चुटकी के बराबर ऐड कर दें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, इसको रेड क्रश चिली भी कहते हैं, और कुटी लाल मिर्च भी, ये तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करनी है आपने। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है। ये भी 1/4 टीस्पून ऐड करना है आपने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है स्पाइसेस को। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसका फ्लेम जो है जो कि लो था उसको हाई कर देना है, आँच को तेज़ कर देना है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से स्पाइसेस डिज़ोल्व हो जाएं, और ये जो है इसके अंदर उबाल आ जाए, और ये जो ड्राई प्लम है ये सॉफ्ट हो जाए। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ढांप देंगे, और ढांपने के बाद जी जब इसको उबाल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर और स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब जी हमारे ड्राई प्लम आलू बुखारे को देखें जी उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, इसको पानी में मिक्स कर लिया, रेड फूड कलर पहले ऐड करूंगी मैं,
उसके बाद पानी में ही मिक्स करके येलो फूड कलर, पीला फूड कलर इसमें तकरीबन एक एक चुटकी ऐड किया मैंने, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और बहुत ही खूबसूरत सा फूड कलर ऐड करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि ये जो है ये इसकी सॉस वो थिक हो जाए। थिक को पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये थिक हो जाएगी। देखें जी, अब तकरीबन हमारी ये सॉस हो चुकी है तैयार। ये जो ड्राई प्लम है, खुश्क आलू बुखारा है, ये बड़े मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं और इसकी सॉस में ये डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी 4 मग्स, ये तकरीबन मैंने डाले थे 3 टेबलस्पून। आपको जितने पसंद है आप ऐड कर दें, जितना ही इसमें ड्राई नट्स डालेंगे उतना ही ये मज़े का लगता है। आपको जो जो ड्राई नट्स पसंद हैं आप उसमें ऐड करें, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से इसमें 4 मग्स ही ऐड किए जाते हैं और आलमंड। मुझे तो और ड्राई नट्स भी पसंद थे तो मैंने इसमें जस्ट आलमंड और 4 मग्स ऐड किए। अब आप इसमें डाल दें जी बादाम, मैंने तकरीबन 1/2 कप डाले थे, इनको मैंने भिगो कर छील लिया था, इसके छिलके उतार लिए थे। अब आप भी इसमें ऐड करें और इसको मज़े से बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़े का यमी सा डिलीशियस सा हमारा ड्राई प्लम सॉस शादियों वाला हो गया है तैयार। तो इसको जब ये कुक हो जाए तो इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जी अब हम इसकी करेंगे जी गार्निश। देखते हैं जी गार्निश। आप जब भी कोई खाना बनाएं उसकी गार्निश ज़रूर किया करें, क्योंकि सबसे पहले जो हम बाइट लेते हैं वो आँखों से लेते हैं। जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है वो दिल को भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो हमने बहुत मज़े का यमी सा ये खाना बनाया है, तो आप इसकी गार्निश भी ज़रूर कीजिएगा। हर फूड की आप गार्निश किया करें और देखें इसकी गार्निश कैसे करते हैं हम। देखिए जी, अब हमने गार्निश कर ली, बहुत ही खूबसूरत सी और हमारा यमी और डिलीशियस है ये ड्राई प्लम सॉस आलू बुखारा की चटनी हो गई है तैयार। इसको आप भी बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया और कैसी बनी। और यकीनन बहुत मज़े की बनी होगी और बहुत, आप बिलीव करें, इतनी मज़े की है ये स्वीट एंड सॉर सॉस बन चुकी है। मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका ये प्यार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुख टाइम की बाइट को देखते रहें और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।